योग करता संगा ते तुंद में दिखे जानने खलार दाए ओ तुंद में दिखे जानने खलार दाए का दिल ए तेरा जे चौने अंगियारा बन जाए जे सदर है तेरी हस्ती डुबदे लई किनारा बन जाए शब्द निकलिया तेरे मुंह चो कौम लई जयकारा बन जाए माला का एक एक मणका गंदे बन बन आरा बन जाए तेरे घर का दीवा भुले राइयां लई सहारा बन जाए आ मुक्त भुगत दी दाती फिर तू आ अमृत दी खाणी पढ़ ला गुरु ग्रंथ नूं टेक के मथा गुरु नानक दी बाणी पढ़ ला गुरु ग्रंथ नूं टेक के मथा गुरु नानक दी बाणी पढ़ ला ए सच्चे दरबार दे अंदर डाकू साध बनाया जांदा की सी सहन ते की सी सदना वेख किवें वडियाया जांदा तेरा भाड़ा मीठा लागे ऐसा सबक पढ़ाया जांदा कखां नूं सुनवा के बाणी बिजली नूं शरमाया जांदा एक रोगी जे पाठ करे तां कुल दा रोग मटाया जांदा ओ मूर्ख बंदे माया दे लोभी माया आणी जाणी पढ़दा गुरु ग्रंथ नूं टेक के मथा गुरु नानक दी बाणी पढ़दा इस दा पाठ जिन्ना ने कीता हस हस जान गवांदे वेखे सेते आरा मुंह विच बाणी चलाटा नाल शरदा लाउंदे वेखे मुए बेणी जीवन मिलदा साकी इंज पलाउंदे वेखे आरिया हेठा बह के तारू हस हस तारियां लाउंदे वेखे ऐसी लगी आख उन्हां दी मुड़ के अख ना लाउंदे वेखे पूरा दे सब झूठे लारे भुर जा कूड़ सच कहानी पढ़ ला गुरु ग्रंथ नूं टेक के मथा गुरु नानक दी बाणी पढ़ ला गुरु ग्रंथ नूं टेक के मथा गुरु नानक दी बाणी पढ़ ला जुगो जुगिया कल साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी छत्र छाया हेठ सिख धर्म दे बानी समुची मानवता दे रहबर सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दे संबंध विच इह लसाड़ा दीआं समूह सरबत साध संगतां ने मिल के गुरद्वारा साहिब जी दी समुची प्रबंधक कमेटी दे उदम अते उपराले दे नाल नगर कीर्तन दे रूप विच जिस नगर कीर्तन दी अगवाई पंज प्यारे साहिबान करदे आ रहे ने आप तुसीं इस पड़ाव ते पहुंचे दे हाजरी दर प्रवान करनी सारियां सिख संगतां सावधानी नाल एकाग्र चित होके आपो अपनियां रसना तो गज के कहो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख संगतां दे दर्शन दीदारे करके नहत मन प्रसन्न है आप तुसीं धनता योग जे वड्डियां भागां वाले जे मेरे पातशाह दी पवित्र बाणी दा फरमान है वड भागी हर संगत पावै भागहीन भरम चोटा खावै बिन भागा सतसंग ना लभै बिन संगत मैल परिशादा विच इक चीज कह के आदी बस खिमा मंगा सरवण करना ना समाज दशा ठीक है ना राजनीतिक दशा ठीक है ना आर्थिक दशा ठीक है ते ना धार्मिक दशा ठीक है मेरे पातशाह ने आप अपनी पुत्र बाणी च फैसला दिता है पातशाह कहिंदे वक्कल दा कानूनदार है याद रखना संसार दा राजा राजे दा काम की है लोकां नूं साथ देना पर राजा गरीब लोकां दा माफ करदा है उहनां दीआं हर टाइम बराशां भरियां रहिंदियां ने मेरे पातशाह ने बाणी च फैसला दिता है राजे शीही मकदम कुत्ते चाहे जगायन बैठे सुते चाकर नहंदा पायन खाओ रात पित कुकह कट जाओ कम लाई कुत्ते मुही खाज हवा मुर्दार कसाई राजे पाप कमाई।
धरती के ना पार होता है और धरती के मेरे कितने पड़ा उठी और धरती का सीना पार के दौरा हो गया उनकी धर्मराय की कचहरी च कहती ना मेन पर्वतों का पहाड़ है ना मेन नदियां नालियां का पहाड़ है ना मेन जी जनता का पहाड़ है। वह कहती एक आकार पुरख ने कहा फिर पहाड़ कहना है कहने धरती ने हाथ जोड़ के कहा मेनू पहाड़ है केवल केवल अकिरत कणा का पहाड़ है पारे भूई अकिरत कण मंदी हूं मंदे समा इना नहीं कि मैं बहुता विस्थार जावा तो सरवण करना धरती धर्मराज की कचहरी खलो के पा के घर पला जिमें अपने वालों बेनती करती है कहती हे तीर दुनिया के मालिक जो तू कहना मेरी कायनात मेरी ये जनता वसदी रहे मेरे उत्ते किसी ऐसे रहबर नूं भेज जिहड़ा समुची मानवता नूं एकता दे लड़ लाउण वाला होवे जिहड़ा सर्व सारिआं दा इक सांझा रहबर होवे सरवण करना वह धरती धर्मराज की कचहरी खलो के जिमें फरियाद करती है बेनती करती है मुढ़ले तौर पर प्रसंग की लड़ी आरंभ किया है तो सरवण करना ढाडी यथा उस वेल दियां चंद लैणा हे
Thank you.
ਸੱਸੀ ਚੁਕਾਵੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਰੋਵਰੀ ਜੋਈ ਪਲਪਸੀ ਚੁਕਾਵੇ जिन्होंने के दिते समय दे विच बड़े वधिया तरीके दे नाल जिते गुरु त्याग सरवण कराया उत्थे उस समय की इस समाज की दशा जो कुछ है सी वो आप जी के सामने रखने का उपरला किया है। मैं बेनती करा कि दशा अज भी उही है, एवं थोड़ा बहुत ही फर्क है। उसका कारण यह है कि असी गुरु साहब के उपदेशों अपने पल्ले दे नाल दृढ़ करके बन्या नहीं। अपना उन्होंने उपदेशों सुनते जरूर हाँ, गाते जरूर हाँ, पढ़ते जरूर हाँ, पर अपने जीवन के अपनाने का यतन नहीं करते। तो वो भला साडा तद ही होना है जदों आपां गुरु साहब के उपदेशों अपने जीवन के अपना के ये अपना जीवन आपां सुखाला बना सकते हाँ। तो एक दो बेनतियां मैं साध संगत के चरणों में करना चाहता हाँ। जिस तरह के आप जी को पहला दसिया है कि गुरद्वारा चंद कमल साहब कमेटी की तरफों ये उपरला किया गया है कि अज जो नशिया का छेवा दरिया पंजाब बग रहा है उसनों ठल पाने वास्ते ये साड़ी नवी आने वाली जो पनीरी है साड़ी जनरेशन है उसनों आपां संभालीए, उसनों गुरबाणी दे लड़ लाइए, उसनों गुरु के उपदेश सुना के समझा के गुरु वाले बनाइए। इस उपराले तहत असी जिथे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी यह उपराला कर रही है उत्थे समूह नगर वासियों के चरणों में भी बेनती है कि अपने बच्चों को प्रेर के गुरद्वारा साहब विखे पहुंचो। साढ़े पास भाई प्रीतम सिंह जी जेडे कि गुरबाणी आप जी के बच्चों को बड़े वधिया तरीके सिखा सकते हैं, वो सिखाते हैं, क्लासा चलदिया हैं। सो वध तों वध बच्चे क्लासों के भेजो। इस ही जो गतका पार्टी है गतका के भी गतका सीखने वास्ते बच्चों को भेजो और इन्हों का सहयोग करने वास्ते इन्हों का मान सत्कार करने वास्ते भी उपराला करना है। आप सारे ने गुरद्वारा साहब का जो हाल आप बनाना है लंगर के हाल की बड़ी घाट है, वो पिछले दिन 11 महले जगह अभी मोल खरीद के गुरद्वारा साहब के नाल लगती ली हुई है, उसके आप हाल बना है। उस वास्ते भी बद तो बद सारे संगत बढ़ चढ़ के हिस्सा पाओ ता कि आप जल्द तो जल्द ही गुरद्वारा साहब का हाल बना सकी। बोले सोनियाल सत श्री अकाल, बोले सोनियाल सत श्री अकाल। हूँ 10 मिनट वास्ते आप जी के सामने गतका पार्टी शहीद बाबू गुलाब सिंह गतका पार्टी गतका अखाड़ा आप जी प्रोग्राम पेश कर। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖੜਤਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ।
ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਰਤਾ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡਾ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡਾ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਾਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਚਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
फिर पूछ सतनाम का
बच्चे का बरतारा तंगवाना बाबे नोपिया जदो कुड़ी ना पुकार किसे देवते तंगवाना बाबे नोपिया सबसे दिया पूजिया सबसे दिया पूजिया कल तारण नल गया बतारा तंगोना बदनू पिया जद सोने न पुकार किसे देव से तंगोना बदनू पिया सब बैठे पार्वती सब शब बैठे पार्वती कौन जगत को पारी उतारा तंजोड़ा बाबे नूपिया जद सोनी ना पुकार किसे देवते तंजोड़ा बाबे नूपिया सतगुर मेरा जेड़ा बिछड़िया नू मेल दा हर नामो मत करना है दा हर नामो मत करना है दा गुरु वाहे 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 गुरु बिछड़िया नानक सतगुरु सिया मिला
संतोख जेरा बिछड़िया मेरा ऐसा सतगुर मेरा जेरा बिछड़िया मेर यह जानता थी कोई अपने कार
ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਘੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਂ ਮਲਦਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਸੁਪਾਉਣੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਸਲਮਤ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਗੱਲ
Thank you.
जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संत अपनी रचना को पवित्र करने के लिए लाओ कर कर के करा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही बड़भागा समा है कि सारिया ही संत ने गुरुद्वारा चरण साहब तो आशीर्वाद लैके गुरु महाराज जी की बाणी का ओट आसरा लेंदे हुए सारिया ही संतान ने सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करद्या होया नगर कीर्तन के शामिल हो के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कीतीआं हन। मैं अपने वालों अते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारिया ही संतान नूं गुरु महाराज जी के आगमन पर्व ते लख लख वधाई दिंदा हां और जिन्नियां भी इत्थे संतान ने आके हाजरी लगवाई है सारिया ही संतान के चरणां दी धूड़ नूं मत्थे ते ला के नतमस्तक करते हैं। और इसके नाल ही मैं हाथ बन के महल्ले दीआं संतां नूं बेनती करदा हाँ कि किसी ने भी हुण अपने घर दे विच रहण दी कृपालता नहीं करनी क्योंकि ये जो दिन दिहाड़े हम इस तरह के गुरु साहिबाना के बड़े भागा वाले आते हैं। सो इस करके आखिरी पंडाल तक अपनी हाजरी लगा के तुसी सारे ने ही गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करनिया हैं। समा बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि पौना घंटा पहला ही प्रोग्राम लेट है। इस करके सारे ही संगतों का एक बार मैं फिर अपने वालों ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धन्यवाद करता हाँ। साडे गुरां ने जहाज बनाया
ने पार लंघना। कहो कबीर भज सारंग पानी, 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 कहो कबीर भज सारंग पानी। वाहे जी की फतेह। मैं सब तो पहला मोहल्ला निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने के हौसला देखने वाली साकता के ज्यादा नियत भी है ये प्रयास साहब के नाल श्रद्धा के नाल हौली हौली मत्था टेक के आप अपनी जगह से बैठने की कृपालता करो। नानक देख कर तुम सब नस दिए गुरु नानक ते आज तक कंध बटाए दी दस दी पड़ाव से पहुंचे है इस महला निवासी संगत ने नगर कीर्तन आईया हुई सिख संगत वास्ते जल पानी की सेवा प्रसाद की सेवा बड़े प्यार सत्कार के नाल जो की जा रही है। इस दे नाल नाल एक आस रखता हाँ कि आप तुसी प्यार भरिया आसीसड़िया दे के तोरोगे। मेरे गुरदेव पातशाह की पावन पवित्र बाणी का फरमान है संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन सीसड़िया जो हो है साहब सो मेल। सब तो पहला जी प्रवान हो सके सावधानी नाल एकाग्र चित हो के चटाओ शेष मारो चौंकड़े जोड़ के दोनों हाथ आपो अपनिया रसना तो गज के कहो जी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिख संगत दे दर्शन दीदारे करके नहत मन प्रसन्न है। समा आप जी ने सम्मान योग सकत्र साहब जी पासो सरवण किया है कि लगभग 20 मिनट वास्ते मैं गुरु क्या संगत दे दर्शन दारे करा इतिहास राही जो लड़ी मैं प्रारंभ की है
उसे ही लड़ी विचों एक दो चीजा कह के आप जी पासो खिमा मंगा। मैं पिछले पड़ाव ते एक गल कीती सी कि इस्त्री कोल चार अंतर ही भाव दे गहने ने, संजम है, सहनशीलता है, मिठा सुभा है, जुगत विच रहना। ये अंतर ही भाव दे चार गहने ने, बारी गहने तू करता फिरदा है, मनुखी मनुख का कातो होया फिरदा है। ये कारण की है? औरत ने समाज को शिखर उत्ते लेके जाना है, औरत ने समाज को चंगे पासे जाना है। याद रखना दासकदार ऐसे हालात बन चुके हुए सन, पर याद रखना जिस मां तृप्ता ने गुरु नानक तरंकारी अपनी कुख चो जन्म देना है, वो मां तृप्ता का जीवन किस तरह का सी, ये सानू पढ़ना वेखना। मैं मां तेनू अपील करता हाँ, सुझा देना हाँ, अपनी सुंदरता सांभ के रख, खिमा करना। जिस मां ने अपनी गोदी विच लाल खेडदा वेखना है, उन्हूं रूपो कुरूप होना पवेगा, अक्सर उन्हूं सुंदरता निशावर करवानी पवेगी। फुल पहला सीने विच शेक करवांदा है, फिर सत श्री अकाल सोनिया, सोनियाल सत श्री अकाल। बाल्मीक सभा का कोई भी मेंबर हो बेनती है कि वो भी अपना सम्मान हासिल कांत कृपा बोले सोनियाल सत श्री अकाल। बच्ची मनजीत कौर बोले सोनियाल सत श्री अकाल, सोनियाल सत श्री अकाल। लंगर जो है वो समाप्ति के उत्ते गुरदस साहब वालों चलेगा, सो हम अगला पड़ा जो है पैंस के होएगा। बोले सोनिया सत श्री अकाल। Vai guru nam japaya di vai guru nam japaya
सब तो पहला मोहल्ला निवासी नौजवानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, अपने ही सुख से सब लागे, अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मेरे ओ मेरे ओ सब कहते हैं, मेरे ओ सब कहते हैं, हित क्यों वास्ते ओ जीत। जगत मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, अंतकाल सगन है कहू, अंतकाल सगन है कहू, ए अचरज है रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, इकने हारे ओ नीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, नानक पौ चल पार करे, 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 ज्यों गावे प्रभ के गीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, जगत मैं झूठी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की ¡Gracias!
जंजू तेरा कच्चे धागे का जंजू है, जंजू तेरा हो सकता महीना हो सकता दो महीने हो गए लंगर भी चलना है जी बैठा करो काली ना करो जब तक स्टेज तो अनाउंस नहीं होता जब तक उठा ना करो ये थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाता ढाटी जथे ने एक नोटा आपके सामने रखा है रात का लंगर गुरद्वारा साहब विखे समाप्ति के उत्ते चलना है कल का लंगर भी चलना है कल के दीवान भी सजने हैं सारिया संगत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है फिर दोबारा समुचिया संगत का मोहल्ले वाले निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद बोले।